अटल बिहारी वाजपेयी का जैसा मिसाल वाला जीवन रहा है, जैसे वो जिए वैसे ही जा रहे हैं। उन्होंने हमेशा जो है एक तरीके से जो है स्त्री सशक्तिकरण पर भी काम किया और उन्होंने उनकी पुत्री को जो है जिस तरीके से पूरे दिया, अब उन्होंने ही दाह संस्कार किया है और इसका सब सम्मान करते हैं। Three rifle volleys by the Indian Army on behalf of the nation. The body, they say, is nothing more than the coming together of the five elements. अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्थिव शरीर दैहिक रूप से अब वो हमसे अलग हो जाएंगे, अग्नि के माध्यम से अनंत में विलीन हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उन्हें सदैव दैहिक रूप से चले गए, अग्नि में जो है समाविष्ट हो गए हैं, देश के प्रति उनके अग्नि में समाविष्ट हो गए हैं। अब अग्नि के द्वारा जो है इनको जो है अग्नि अपने में ले लेगी और उसके बाद जो है अब अंतिम यात्रा भगवान नारायण के हाथ में है, जहाँ वो आत्मा गई है, कहाँ जन्म होगा, कहाँ इनको जो है अगली जन्म में योनि मिलेगी, कौन सी मिलेगी, ये अपने सत्कर्मों के अनुसार होता है। सशक्त बनाने में योगदान करेंगे। ऋग्वेद के प्रसिद्ध संज्ञान सूक्त में कहा गया है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनासि जानताम, अर्थात ये जो है तुम सब साथ साथ की आहुतियाँ हैं, ये साथ साथ रहो। तो ये सारे परिजन भी आहुति दे रहे हैं, जो केवल अपने पारिवारिक ही इसमें देते हैं, वैसे जितने गए हुए हैं अगर वो भी दे दें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लकड़ी का तो हमारे हिंदू धर्म में इतना बड़ा महत्व है, 100 गाय के दान के बराबर एक लकड़ी का धर्म है, ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि 100 लकड़ियों 100 गायों का जो दान करते हैं हम, उससे जो पुण्य मिलता है, अगर कहीं पर अगर कोई चला जाता है तो उस लकड़ी का बल धर्म इतना है उसका महत्व कि 100 गायों का पुण्य देता है। और ये बेहद भावुक क्षण निहारिका के लिए भी, अटल जी की नातिन, चेहरे पर वो जो भाव है उससे समझ आ रहा है कि कितना कितना दर्द कितना दुख अटल जी को उनकी अंतिम यात्रा पर भेजते हुए, दिल्ली के स्मृति स्थल से सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, अटल जी को उनकी पुत्री नमिता ने मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पूरी होती हुई अटल जी की पंचतत्व में विलीन होते हुए एक महान नेता, लोकप्रिय नेता, बहुत बड़ी शख्सियत अटल जी की। बिल्कुल नेहा, जो इसमें हम अग्नि दिखाई इस समय जो उनका शरीर जल रहा है अटल जी का, लेकिन इसका ताप पूरा भाजपा परिवार, पूरी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और जो उनका बिल्कुल क्लोज परिवार रहा है, खासतौर से जो नमिता निहारिका की जो हम बात कर रहे थे, ये दोनों लोग सबसे ज्यादा उनका ध्यान रखते थे, इस ताप को बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। और काल के कपाल पर नया गीत लिख कर भारतीय राजनीति के अटल सूर्य विदा होते हुए। गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, घेरे घोर घन दासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशान है जो डेरा जमाया, ये जयचंद के द्रोह का दुष्ट फल है जो अब तक अंधेरा सवेरा ना आया, मगर घोर तम में पराजय के गम में विजय की विभाले अंधेरे गगन में, उषा के वसन दुश्मनों के नयन में चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला,
भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रचन डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिति में ननल के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में धुएं के घनों में कि पल के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा। मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटी देवियां लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर पुरस्कार, हाथों में लोहे की कड़ियां, कपोतों की माता खड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां, मगर दासता के भयानक भंवर में पराजय समर में अखीरी क्षणों तक शुभाशा बताता कि इच्छा जगाता कि सब कुछ लुटा कर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला आप डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है हम जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम अमर हैं सभी हम कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहरता। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सठ का शहर, मेरा स्वर नभ में घर घर सागर के जल में चहर चहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर, यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल,
मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी यक्ष है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समायो, बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूँ, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तन मन इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान, अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। ये है ABP News, आपको रखे आगे।